सर, मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ। मैंने भी 12 साल पहले अपनी फेडरल गवर्नमेंट से जॉब छोड़ के तो अपना बिजनेस शुरू किया था। तो अल्लाह का शुक्र है, आपने जो पहले सारी बातें की हैं उस पर अमल भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, जितना भी किसी को दे सकें, किसी के काम आ सकें, और अल्लाह ताला ने उस पर नवाजा भी बहुत है, इसमें शक वाली बात है। मैं सर पूरी दुनिया भी घूमी है और पूरी दुनिया कोई मुल्क ऐसा नहीं दुनिया का जिसके अंदर मैं कई दफ़ा ना गया हूँ। मैं अक्सर एक चीज़, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, हफ्साबाद से, शहजाद भाई मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं एक चीज़, हमारे सब गाँव वाले बैठे हैं इधर, मैं एक चीज़ एक पूछना चाह रहा हूँ, डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि हम जब एक, मुझे पता है कि एक बंदा ये क्रॉपर है और मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं, मुझे पता है कि एक बंदा क्रॉपर है और मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे ईमान का क्या अर्थ करता है? क्या मैं मुसलमान हूँ? हमारे गांव के अंदर या हमारे जो देहाती कल्चर है, हमें पता ही नहीं होता हम करप्ट बंदे का सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसमें हमारा वो ईमान, हमारा वो मुसलमानियत, वो किधर चले जाते हैं उस टाइम? हमें ये पता है हमें ये MP है, MN है, कोई भी है, ये हम तो उससे ये काम लेना है, हम ये भूल जाते हैं कि जो करप्ट है हम किस लेवल के मुसलमान हैं। उस टाइम हमारी वो इस्लाम, हमारा दीन, वो किधर चला जाता है, किधर छुप जाता है वो? तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कुछ टाइम बंदे को क्या सोचना चाहिए कि आपके इस लेवल के ऊपर कि हमें एक हैसियत है मुसलमान, एक इंसान, हमें क्या सोच के किसी की सपोर्ट करना चाहिए? क्या एक किसी करप्ट बंदे को सपोर्ट करना, वैसा उसमें आप क्या? डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बड़ा एक संजीदा, ये जो आप बता रहे हैं हमारा यहाँ पर एक बहुत संजीदा, बिलखसूस पंजाब में तो बहुत ही, इंटीरियर सिंध में भी इस किस्म के मसाइल हैं। सर गुजारिश ये है कि पहले तो हम दीनदारी की तारीफ़ कर लें। दीनदारी सिर्फ इबादतें नहीं हैं, सच को सच कहना, सही को सही कहना दीनदारी है। आप किसी माड़े बंदे के साथ खड़े होते हैं, ऐन दीनदारी है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, आप हमेशा मस्कीन के साथ खड़े हुए, आपने गरीब की दादरसी की है, आपने मुश्किल वाले की मुश्किल आसान की है, आपने सच्चे का साथ दिया है, आपने सबसे बड़ा सच जो नबूवत था, जो वही आ रही थी, आपने कहा कि सूरज और चांद तारे रख दे मेरे हाथ पे, मैं फिर भी फिरने वाला नहीं हूँ। और आप कमाल देखिए कि जब वो बादशाह के दरबार में पेश होते हैं सहाबी, और बादशाह पूछता है कि इस नबी के साथ कौन खड़े हैं, इसके मानने वाले कौन हैं, तो वो कहते हैं कि जी आम लोग, गरीब लोग, माड़े बंदे इसके साथ हैं। वो कहता है ये हो नहीं सकता कि एक बंदा जिसके साथ आम बंदा, सादा गरीब माड़ा बंदा खड़ा है, वो सच्चा ना हो, वो सच्चा ही होगा। तो पहले ये तय करने कि दीनदारी सिर्फ रस्म नहीं है, दीनदारी पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका है, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा दीन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा रब देख रहा है, मेरी जवाबदेही है, मेरा एक कदम जो उठ रहा है इसका एक अंजाम है जो मैंने भुगतना है, ये जो मैं गलत सपोर्ट कर रहा हूँ, ये गलत सपोर्ट किसी बुराई में किसी भी तरह शरीक होना वो आपकी आकबत खराब कर देता है, नेकी में किसी भी तरह शरीक होना, हत्ता कि यहाँ तक आपके पास शामिल होने के वसाइल नहीं है, सिर्फ आप विश करते हैं, आप नियत करते हैं कि या बारी ताला काश मुझे मौका मिलता मैं भी इसमें शामिल हो जाता, उसका भी सवाब है। तो हमें दीनदारी को पहले वाजिया कर लेना चाहिए, दीनदारी सिर्फ रस्म और रवाज, दिन मनाना और नमाजें नहीं है। दीनदारी का मतलब है कि आपका रवैया दीन है, दीनदारी का मतलब है कि आप गलत को गलत कह सकें। और इवन के हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि ईमान यानी शुरू जहां से, इंतहा ये है, आप बुराई को हाथ से रोकें, नहीं रोक सकते। अगला दर्जा क्या है? जुबान से रोकें, नहीं रोक सकते, तो कम अज कम दिल में बुरा जाने, बेशक के ये कमजोर ईमान है, लेकिन अपने दिल में नफरत जरूर रखेंगे ये गलत है। तो हमें कम अज कम किसी मस्कीन का साथ अगर देना, देना चाहिए, अगर कोई गलत है उसको गलत कहना चाहिए, उसका साथ नहीं देना चाहिए, अपने दीनदारी के इस दर्जे को और दीन को इस तरह समझते हुए ऑपरेट करना चाहिए। जी सर।